प्यारे दोस्तों, अगर आप मांग की कीमत लोच की कोटियां या प्रकार या भेद, जिसे हम अंग्रेजी में डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं, अगर आप दोस्तों ये समझना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो ये वीडियो आप अंत तक देखते रहें, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूर्णता लोचदार मांग, पूर्णता बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग व इकाई से कम लोचदार मांग, इन पांचों तरीके की डिग्रियों के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप मेरा अंत तक देखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन मैं आपको एक एक बात बताता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने इकाई मांग की कीमत लोच के अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे अपने। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई लोचदार मांग, जो हमारी सबसे पहले है इकाई, नहीं दोस्तों सॉरी माफी चाहता हूं, पूर्णतया पूर्णतया लोचदार मांग, लोचदार मांग। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मैं इसके अर्थ को आपको बताऊं तो देखिए, आप इसके अर्थ में यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, अगर अगर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर, अगर उसकी मांग मात्रा शून्य हो जाए तो उसे पूर्णतया लोचदार लोचदार मांग कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो ध्यान देने वाली बात है, अगर हम किसी भी वस्तु की अगर कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है, मान लीजिए 0.1 पैसे की भी अगर वृद्धि होती है, तो उसकी मांग ना दोस्तों शून्य हो जाती है। जैसा कि आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में देखा होगा दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यदि कोई भी ग्राहक विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत को एक पैसा भी बढ़ाता है तो उसकी मांग जो होती है बाजार में वो शून्य हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी कि पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहते हैं। देखिए मैं फिर द्वारा इसको बहुत ही सरल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो मैं ऐसे कहता हूं कि अगर किसी वस्तु की कीमत एक पैसा बढ़ने के कारण एक रुपए की भी वृद्धि अगर होती है और उसकी मांग शून्य हो जाती है तो वह क्या होती है, पूर्णतया लोचदार मांग। देखिए दोस्तों, आपको ये पांचों प्रकार की जो कोटियां हैं यानी डिग्री हैं, इनको समझने के लिए आपको मांग के नियम को भी समझना पड़ेगा, जो मैं छोटा सा ब्रीफ में समझाना चाहूंगा दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, मांग का नियम क्या है। मांग का नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी जो डिमांड होती है वो घट जाती है और कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। जो भी इस नियम को फॉलो करेगा वो है लोचदार, जो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा दोस्तों वो है बेलोचदार। तो इसे दोस्तों पूर्णतया लोचदार मांग क्यों कहा गया है, इसका रीजन यहां पे ये है दोस्तों, क्योंकि ये मांग के नियम को पूरी तरीके से फॉलो करता है। इसका रीजन अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, अगर दोस्तों मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं अगर आपको, तो देखिए इसका जो डायग्राम है ऐसे बनता है,
देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है दोस्तों। अब अगर इसकी इसके वक्र की बात करें तो देखिए, ये है हमारा, ये हमारा डी डी है। क्योंकि देखिए, अगर कीमत, इसकी कीमत क्या रहेगी, कांस्टेंट, कीमत बढ़ी नहीं सकती, अगर बढ़ेगी तो वो शून्य हो जाएगी। अब देखिए, पी पर क्यू क्वांटिटी भी खरीद बेच सकते हो, या क्यू वन या क्यू टू। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होगी, अगर मान लीजिए ये दस रुपये है, और दस रुपये से बढ़ के मान लीजिए दस रुपये पे ये 1000 इकाइयाँ बिक रही है बाजार में, परंतु जैसे दस रुपये से एक पैसा भी होती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी दोस्तों, शून्य हो जाएगी। तभी से दोस्तों पूर्णतया लोचदार मांग कहा गया, लोचदार। लोचदार तो क्यों, क्योंकि ये मांग के नियम का अनुसरण कर रहा है दोस्तों, और इसको पूरी तरीके से मांग के नियम पे हावी है, पूरी तरीके से मांग के नियम को फॉलो कर रहा है, जिसके कारण इसे दोस्तों पूर्णतया लोचदार मांग कहा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जरूर समझ आई होगी, और दोस्तों इसको और बेहतर समझने के लिए मैंने एक और वीडियो डाल रखी है मांग के नियम पर, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दे दूंगा, उसको भी आप पहले देख लें एक बारी। तो दोस्तों एक बारी दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, अगर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर अगर उसकी मांग शून्य हो जाए तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये बात नहीं समझ आती बच्चों को कि यहाँ पे ईडी इक्वल टू अनंत यानी इन्फिनाइट कैसे आता है। देखिए दोस्तों, आपको मांग के नियम का रूल पता होगा, आपको उसका फॉर्मूला पता होगा, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन नीचे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसी चीज को ऐसे करूं, देखिए कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कीमत तो नीचे है यानी शून्य परिवर्तन। मांग में मान लीजिए 100 इकाइयों का परिवर्तन होगा, और जब हम जीरो से किसी भी संख्या को भाग करते हैं दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हो मैथ में कि वो इन्फिनाइट आता है यानी अनंत आता है दोस्तों। तो ये ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट कैसे आया, ये मैंने बात आपको समझा दी, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला क्या है। मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला है दोस्तों, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और यहाँ पर दोस्तों माइनस का साइन लगा होता है। कुछ दोस्तों को, कुछ विद्यार्थियों को ये भी बात समझने में मतलब प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आता है। देखिए दोस्तों, मांग के नियम ने हमें, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि कीमत बढ़ने से मांग घटेगी, कीमत घटने से मांग बढ़ेगी, यानी एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है, जिसके कारण दोस्तों नेगेटिव साइन आता है यानी माइनस का चिन्ह आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे प्रकार की तरफ। अब मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि इसका दूसरा प्रकार समझाऊंगा, जिसका नाम है पूर्णतया बेलोचदार मांग। देखिए दोस्तों, पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग। अब दोस्तों ये क्या होती है, पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होती है। पहले अगर मैं इसका अर्थ लिखूं दोस्तों, तो इसके अर्थ को मैं लिखता हूं, देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने के कारण, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने के कारण उसकी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो हो तो उसे एक पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है इसको आपको पहले समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये बात समझाई आपको
कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने का प्रभाव यदि उसकी मांग मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो पूर्णतः बेरोजगार मांग है, क्योंकि दोस्तों उसने मांग के नियम का खंडन कर दिया। क्योंकि देखिए, मैं अगर इसको एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो देखिए, मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर कोई वस्तु 10 रुपए में 100 इकाइयां बिक रही हो, कीमत बढ़ के 15 हो गई तब भी ये 100 इकाइयां ही बिक रही है, कीमत घट के 5 इकाई हो गई हो तब भी ये 100 इकाइयां पड़ रही है। तो आपने देखा कि कीमत बढ़ने का या कीमत घटने का इस मांग मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जो कि मांग के नियम को पूरी तरीके से खंडित करता है, मांग के नियम को पूरी तरीके से तोड़ देता है दोस्तों, जिसके कारण इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। बेलोचदार क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मांग के नियम को तोड़ता है। अगर दोस्तों मैं इसके डायग्राम की बात करूं अगर आपसे कि इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया, आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मूल बिंदु ओरिजिन जिसे हम कहते हैं। अब देखिए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी ये हमारी मांग है, ये हमारी डिमांड है यानी क्वांटिटी है, और ये हमारा प्राइस है दोस्तों, ये मैं लिखना भूल गया था। तो देखिए, अगर ये हमारा डीडी है, ये हमारा डीडी है, अगर कीमत बढ़ने, अगर P पर Q क्वांटिटी बिक्री थी मान लो, और कीमत बढ़ने पर भी Q क्वांटिटी, कीमत बढ़ने पर या कीमत घटने पर इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, तो आप इसे मांग की कीमत लोच की पूर्णतः बेरोजगार मांग कहोगे। अब दोस्तों ये भी जानते हैं हम कि इसे ईडी इक्वल टू जीरो क्यों कहते हैं, ये जीरो कैसे आता है। अभी दोस्तों मैंने पिछली बार आपको ये समझाया था कि मांग के नियम का फॉर्मूला क्या है, कि भैया ऊपर होती है मांग और नीचे होती है कीमत। देखिए दोस्तों, कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो कीमत में मान लीजिए एक्स परिवर्तन हो रहा है, परंतु मांग मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है यानी जीरो, और जब कोई भी संख्या जीरो को भाग करती है तो इक्वल टू जीरो आता है। तो दोस्तों ये बात भी आपको मेरी समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों मैं थोड़ी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे शोर हो रहा है, बट आप समझ सकते हो, ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे असाइनमेंट की तरफ, तीसरे प्रकार की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हम इसके तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं, इकाई लोचदार मांग। अब ये इकाई लोचदार मांग क्या होती है दोस्तों, इसके पहले अर्थ को मैं लिखता हूं दोस्तों। देखिए, अगर मैं इसके अर्थ को लिखूं तो इसका अर्थ है दोस्तों, जब किसी वस्तु की मांग मात्रा व कीमत में होने वाला परिवर्तन समान अनुपात में हो तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपने देखा कि इकाई लोचदार मांग क्या है। देखिए दोस्तों, जो वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा, उन दोनों में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो दोनों समान मात्रा में हो रहा है, समान अनुपात में हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण, संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए पे वह 100 इकाइयां बिक रही है बाजार में, जैसे कीमत दुगुनी बढ़ जाए, मान लो ये दुगुनी बढ़ी, बढ़कर 20 हो गई, ये दुगुनी घट जाएगी दोस्तों। देखिए, जितना परिवर्तन पॉजिटिव, यानी जितनी मांग बढ़ी और सॉरी कीमत बढ़ी, उतनी ही दोस्तों मांग मात्रा भी घट गई, वो भी समान अनुपात में। सबसे मेन है समान अनुपात में। आप ये मत देखिए कि ये 100 से 50 हो गया तो इसका अंतर 50 है और इसका अंतर 20 है। आप यहां पे ये ध्यान दीजिए कि
मां कीमत में दुगनी वृद्धि हुई है तो मांग में दुगनी कमी हो गई है। बहुत सिंपल सी बात है, आप ये बात समझ सकते हो दोस्तों। अगर मैं इसके डायग्राम की भी बात करूं, अगर मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं तो बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने ये बना लिया, ये हमारा क्या होता है, ये हमारी क्वांटिटीज होती हैं, ये हमारा प्राइस होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं किसी वस्तु की पी कीमत पर क्यों क्वांटिटी बिक्री थी, पी पर क्यों क्वांटिटी बिक्री है, और मान लीजिए उसकी ये कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ के ओपी से ओपी वन हो गई, तो इतने की वृद्धि हुई तो दोस्तों इतने की ही कमी भी हो जाएगी। तो देख रहे हो आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो कि ये जो गैप है और ये जो गैप है, ये दोनों इक्वल है दोस्तों। यानी मैं इसको कह सकता हूं कि इकाई लोचदार मांग। अब दोस्तों यहां पे ईडी इक्वल टू वन कैसे आता है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको पता है कि मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला है वह है मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। मान लीजिए मांग मात्रा में भी 10 का परिवर्तन हो रहा है और उसमें भी 10 का हो रहा है, तो ये दोनों समान है, तो इसलिए क्या आ गया दोस्तों, 1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इस पांचों कोटियों को समझना। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने चौथे प्रकार की तरफ। चौथा प्रकार जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, जिसे हम कहते हैं इकाई से अधिक, इकाई से अधिक लोचदार मांग। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आपको इकाई लोचदार समझ आया है तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ आएगा दोस्तों, बेहद आसानी से। अब इसकी पहले अर्थ को मैं लिखता हूं, फिर इसके बारे में बात करते हैं और अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका अर्थ लिखूं, अगर जब, या मैं ऐसे लिखूं, जब किसी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक हो यानी ज्यादा हो, अधिक हो, तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको मैं एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए से 10 रुपए पे 100 इकाइयां बिक रही थी दोस्तों, 10 रुपए पे 100 बिक रही थी, कीमत बढ़कर हो गई दोस्तों 13 रुपए, परंतु जो मांग मात्रा में जो कमी हुई वो होगी दोस्तों, देखिए 50। देखिए कीमत हमारी दुगनी नहीं बढ़ी है, दुगने से भी कम बढ़ी ही है, जबकि हमारी मांग मात्रा दुगने से भी ज्यादा घट गई, सॉरी दुगनी घट गई। तो आप इसमें देख सकते हो, पहले वाले केस में अगर कीमत में दुगनी वृद्धि हो रही थी तो मांग में दुगनी कमी हो रही थी, परंतु यहां पर कीमत में परिवर्तन केवल 3 रुपए का हो रहा है, परंतु मांग मात्रा में उससे ज्यादा परिवर्तन हुआ, उससे ज्यादा कमी हुई। तो दोस्तों यहां पे बहुत ही सिंपल बातों मैंने लिखी है कि मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन या परिवर्तन उसकी मांग मात्रा, उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक हो, अधिक, सिंपल। अगर मैं इसे डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए मैं अगर इसको डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो देखिए बहुत ही सिंपल। मान लीजिए पी पर क्यू क्वांटिटी बिक रही थी दोस्तों, पी पर क्यू क्वांटिटी बिक रही थी, कीमत में केवल इतनी सी कमी हुई परंतु मांग में इतनी वृद्धि हो गई, मान लो।
दिख रहे हो यहाँ पे जो मांग का गैप है वो ज्यादा है दोस्तों, क्वांटिटी का जो गैप है वो ज्यादा है जबकि मांग मात्रा में वो कम है, सॉरी कीमत में वो कम है दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि ये ईडी इक्वल ईडी ग्रेटर देन वन है। अब ये ग्रेटर देन वन कैसे आया आप इसको भी समझ सकते हो दोस्तों। मान लीजिए कि मांग मात्रा में तो हुआ, मांग में तो 20 का परिवर्तन हुआ ऐसा आप मान लीजिए, और कीमत में केवल 10 का हुआ, तो दोस्तों आंसर क्या आ रहा है 2। तो 2 एक से ज्यादा है ना, यानी डिमांड में ज्यादा परिवर्तन हुआ दोस्तों। आपको ये बात समझ आई होगी दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझाता हूं मैं आपको बहुत ही आसान से, जो पांचवा प्रकार है दोस्तों इसका, कि इकाई से कम, इकाई से कम लोचदार मांग। भाई इकाई से कम लोचदार मांग क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल नेगेटिव, अगर सॉरी अपोजिट आप बोल लीजिए। देखिए मैं इसको अर्थ लिखूं तो मैं इसका अर्थ लिख सकता हूं कि जब किसी वस्तु या सेवा की मांग मात्रा, मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम हो दोस्तों, मेन चीजें कम हो, तो उसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। बिल्कुल अपोजिट है जो मैंने अभी आपको चौथा प्रकार बताया था। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से एक संख्यात्मक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए पे 100 इकाइयां बिक रही थी दोस्तों, 10 रुपए से कीमत तो दुगनी बढ़ गई, कीमत बढ़ गई दुगनी, परंतु मांग मात्रा हो गई 80। देखिए ये बढ़ी ये घटी, परंतु ये दुगनी बढ़ी और ये दुगनी से बहुत कम घटी। तो आप यहां पे ये देख सकते हो कि जो मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कीमत में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा कम है, तभी इसका नाम इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं दोस्तों। अगर मैं इसे डायग्राम के माध्यम से समझाऊं आपको तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखिए मान लीजिए पी पर क्यू क्वांटिटी बिक्री है, किसी वस्तु है कोई भी सेवा हो सकती है ही, परंतु देखिए कीमत ना बहुत ज्यादा बढ़ गई या घटा भी सकती हो, पर मांग घटी परंतु उसके कंपैरिजन में वो कम घटी दोस्तों। अब दोस्तों ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि इसे ईडी लेस देन वन क्यों कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया जो फॉर्मूला है आपका, मांग में 10 का परिवर्तन हुआ जबकि कीमत में 20 का परिवर्तन हुआ, घटा तो ये कितना आ गया 1/2, इसको मैं करूंगा तो 0.5 आएगा दोस्तों, जो कि 1 से कम है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आया होगा दोस्तों कि मांग की कीमत लोच क्या होती है और उसकी कोटियां क्या होती है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं इसका ब्रीफ में आपको एक बहुत ही एक गैप में समझाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मांग की कोटियां, मांग की कीमत लोच की कोटियां, कोटियां बोलो मींस दोस्तों आप इंग्लिश में ध्यान रखना डिग्री, डिग्री इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही सिंपल, मैं इसको 5 भागों में बांटता हूं। पहला था ईडी इक्वल टू इनफिनाइट, ईडी इक्वल टू 0, ईडी इक्वल टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1। यहां पे क्या था दोस्तों, आपको पता है कि यहां पे अगर देखिए मैं एक और एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मान लीजिए एक WW मैच हो रहा है या 5 वनडे मैच क्रिकेट का मैच हो रहा है
और उसमें दो टीमें हैं जिसमें एक तरफ है डिमांड और दूसरी तरफ है प्राइस। एक तरफ तो है दोस्तों डिमांड और दूसरी तरफ है दोस्तों हमारा प्राइस। देखिए दोस्तों, पहले में डिमांड जीती, दूसरे में डिमांड हारी, इसमें बराबरी रही, इसमें फिर दोबारा डिमांड जीत गई और प्राइस हार गया, और यहां पर दोस्तों प्राइस जीत गया। तो आप ये समझ सकते हो कि यहां पर एक, मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मेरी बैटरी डाउन है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।